बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बैरिस्टर गौर अली ख़ान ने आज पीटीआई के जालों को बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी, जिसके बाद अब नून लीग को अपनी शिकस्त यकीनी नज़र आने लगी। आइए पहले बैरिस्टर गौर अली ख़ान की गुफ्तगू सुनते हैं कि उन्होंने पीटीआई के जालों को क्या खुशखबरी सुनाई, फिर इसके बाद इस पर तफसील से बात करते हैं। बात होता यह है कि जो इलेक्शन एक्ट है उसमें जो लिखा हुआ है, इलेक्शन रूल्स में लिखा हुआ, जिस तरीके से ये इंटरप्रेट करना है कि पॉलिटिकल पार्टी के पास अगर आप आए और आप इलेक्शन वो कर दे, उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी का होना लाजिम है। इलेक्शन का नहीं, फॉर इंस्टेंस आपको अगर 5% वुमेन की रिप्रेजेंटेशन आपकी पार्टी की ना हो, आपने टिकटें दे दी, आपको निशान भी मिला है और आपको आपने अगर 5% वुमेन को टिकट नहीं दी तो आपसे निशान रोका जाएगा। अगर आप अपने अकाउंट को अकाउंट पार नहीं कर सके सोर्सेज ऑफ फंड्स को, तो उसमें भी आपसे वो रोका जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी जो है ना इन्वेस्टेड नहीं है, इन्वेस्टेड पार्टी का होना लाजिम है और उस पार्टी के कैंडिडेट किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। क्या आज हम पोलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते? क्या पोलिटिकल पार्टी डिजॉल्व हो चुकी है? क्या पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर का कोई स्टेटस नहीं है? क्या आज हम जो अपनी पार्टी को चला रहे हैं, जिस इंटरनल मामलात को जो इंडोर मैनेजमेंट है, क्या ये पार्टी के आईन और कानून के मुताबिक नहीं चल रही? हमारे कैंडिडेट इंशाल्लाह ताला आएंगे, इन्होंने लास्ट डे पे, और लास्ट डे पे क्या हमें निशान अलाट हो गए थे और भी हमारी मर्जी के बगैर निशान अलाट हुए थे और हमें चूज करने भी निशान अलाट करने नहीं दिया गया और सारे चाहे वो प्रोविंशियल के थे और नेशनल के थे, वो निशानात हमें एक जैसे अलाट करने की भी जो है ना वो इख्तियार नहीं दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से पहले पहले हम निशान अलाट कर चुके थे। तो ये तो कॉल टुगेदर एक इशू है कि उन्होंने हमें निशान अलाट कर लिया, लेकिन इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल राय थे और हम उस वक्त फैसला करेगी पार्टी, कोर कमेटी फैसला करेगी, खान साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आगे बढ़ेंगे कि हमने क्या करना है। सर, आपके मुखालिफीन इस बात पे भी उम्मीद कर रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार जो अपने इंतखाब पर 10 करोड़ लगा चुका हो, वो एक ऐसी सियासी जमात में वापस क्यों जाएगा जिसका लीडर जेल में है या जमात इंतखाबी निशान से महरूम है, सियासी मुस्तकबिल मदूम है और वो भारत शॉपिंग भी शुरू हो गई है, मगर उस पर जाने से पहले गुज़िश्ता 4 इंतखाबात में भी आजाद उम्मीदवार जो है उनका एक पैटर्न देखा गया है। आजाद उम्मीदवार हमेशा उस जमात का हिस्सा ही बनने चले जाते हैं जो हुकूमत बनाती है और अभी भी एज वी स्पीक आपको बेशक खबर होगी अकबर एस बाबर भी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। इस हवाले से 2000 तहरीक इंसाफ के कोर मेंबर्स इनिशियल मेंबर्स को भी कल मीटिंग के लिए बुला लिया है। नहीं देखो, वो तो हाईजेक नहीं कर सकता, नहीं तो वो हमारी पार्टी का रुकन है और नहीं तो उसके पास कोई ऐसी सबूत है, वो हमारी पार्टी के पार्टी से नहीं की जा सकती। लेकिन जितनी कोशिश की जा रही थी उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, वो मकसद यही था कि इनको पॉलिटिकल पार्टी का जो निशान है उस निशान पे इलेक्शन ना लड़ सके और इनको बहाना मिल जाए ताकि जो हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो आ जाए तो ये कहे जी आर्टिकल 63A अप्लीकेबल नहीं है इसलिए आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं और इनसे फॉरवर्ड ग्लाब बनाने की कोशिश की जाए या इसको किसी और पार्टी को जो नई नई पार्टियां बनी है उनको कोई ज्वाइन कराने की कोशिश करे। लेकिन हमें ये भी कभी उम्मीद है कि जिन लोगों को हमने चूज किया था और उनका इंतखाब किया था और उनको टिकट अलाट कर दी थी, वो पार्टी के लोग या सख्त हमें पार्टी के साथ रहे, उनके नॉमिनेशन फॉर्म में भी पार्टी के एफिलिएशन का लिखा हुआ है और इंशाल्लाह ताला जब वो जीत करके आएंगे तो वो सारे के सारे लोग इंशाल्लाह ताला अपने ही पार्टी के साथ डटे रहेंगे। मुझे इसका कभी इम्कान नहीं, नॉमिनेशन में लिखा हुआ है मगर आज यही सलमान अकरम कहीं नहीं जाएंगे। पहले आपने 2 हफ्ते पहले मुझे कहा 50-50 चांस है वो रह जाएं या चले जाएं, अब आपको यकीनी तौर पे उम्मीद है कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन जीतने वाली पीटीआई के उम्मीदवार अगर अपनी जमात की हुकूमत बनती नहीं देख रहे या ये क्लॉज एक्टिवेट कर जाए, क्योंकि आप अभी भी रिलाय कर रहे हैं कि एक लिस्टेड पार्टी है इलेक्शन कमीशन के पास, लेकिन मैं बार बार आपको ये कह रही हूं कि इलेक्शन कमीशन के जराये और आपके सीनियर तरीन कॉलीग्स को भी यह कन्वे किया गया है कि देर इज अ लॉट ऑफ ग्रे एरिया, मुभम एरिया है कि अगर पार्टी को एक इलेक्ट्रल साइन ना अलॉट किया गया हो तो शायद आने दिया जाए आजाद उम्मीदवारों को, तो क्या पार्टी के साथ अपनी वफादारी वो रख भी सकेंगे या नहीं? व्हाट इज योर प्लान इन द अगर ये हो गया? नहीं, मैं उम्मीद है इंशाल्लाह ताला 100% हमें उम्मीद है कि वो हमारे साथ ही रहेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। एक तो आवाम का भी एक सेंटिमेंट होता है, आवाम रिएक्ट करती है, लोगों को अच्छा नहीं समझती जब वो पार्टी 2 दिन के बाद जाके चेंज कर देते हैं, हमारे वोट से, सपोर्ट से, झंडे से, तस्वीर से, खान साहब की सपोर्ट से, और जब तक उनका नाम और खान साहब की वेबसाइट पर हो, हमारी पीटीआई की वेबसाइट पर हो, हमने उसी तशरीह की हो, एक दिन वो जीत गया और 3 दिन बाद जाके किसी और पोलिटिकल पार्टी को करे तो समाज में भी उसको अच्छा नहीं समझा जाता है, वो भी एक प्रेशर होता है। और लेकिन हमें जो कैंडिडेट है हमारे, हमें उनकी लॉयल्टी पे कोई शक नहीं, इंशाल्लाह ताला वो हमारे साथ रहेंगे। कोर्ट को बारहा कहते रहे कि देखो ये खरीदो फरोख्त शुरू होगी, करप्शन का एक दौर आएगा, लोग उनको ऑफर करेंगे, इन लोगों के वोट का इलेक्शन के वोट पर चीफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट और आगे सेनेट के वोट में एक बड़ा रोल होगा, तो आप मेहरबानी कर ले इसको एक बड़े कन्वेंस में देखे। सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं किया
एनी वे सुप्रीम कोर्ट की मर्जी, वो आर्डर फाइनल है और बाइंडिंग है, तो उसको एहतराम किया जाएगा, लेकिन रिव्यू में अगर सुप्रीम कोर्ट उसको सेटिसाइड कर दे, अदरवाइज ये सारे लोग ऐसे कि ये तजूरिया खोलेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला इस मरतबा इनको और किस्म का पाकिस्तान मिलेगा। जो हमारे कैंडिडेट जीत के आएंगे इस मरतबा ये उनको नहीं खरीद सकेंगे, और उनको शर्म करने चाहिए कि एक पोलिटिकल पार्टी का लीडर अपने आप को कहते हुए वो ये बयान देता है कि मेरे पास तो कोई अवामी सपोर्ट नहीं है, मेरे पास तो अवाम की हिमायत नहीं है, लेकिन मैं दूसरे लोगों को लेकर के हुकूमत बनाऊंगा। मैं समझता हूँ ऐसी हुकूमत अगर बनती है, ये कोई जमहूरी हुकूमत नहीं होगी, ये कोई अवामी हुकूमत नहीं होगी, ये कोई हुकूमत नहीं होगी जो अवाम के दादरेसी कर सके और जमहूरियत को मजबूत कर सके और ईमान को मजबूत कर सके और कानून की बालादस्ती कायम कर सके। और बारिश साहब, इतवार को इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी है, ये किस तरह का एहतजाज होने जा रहा है? देखिए, एहतजाज तो करना ही पड़ेगा, एहतजाज तो हर सूरत लाजिम है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, पंजाब आधा पाकिस्तान है, और उसमें अगर आप लोगों को इजाजत नहीं देंगे, पहले आपने लोगों को रोका कि नॉमिनेशन पेपर फाइल ना करें, फिर उनके प्रपोजल सेकंडर को आपने रोका, फिर टेक्निकल बुनियादों पे आपने उनके नॉमिनेशन फॉर्म को रिजेक्ट करवाया, फिर उसके बाद आप लोगों को कंपेन करने की इजाजत नहीं दे रहे, फिर हमारे कई सारे कैंडिडेट को विड्रॉ कराया गया और कभी कई सारे कैंडिडेट को रिटायर करवाया गया। अब इसके खिलाफ एहतजाज ना करें तो और क्या करें? अदालतों में जाते हैं तो वहां अगर बराए नाम ही है कि हमने जाके लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए दरख्वास्त दायर कर दी थी, उस पर ऑर्डर भी हो गए, लेकिन कहां हुए? वो चीफ जस्टिस साहब भी ऑब्जर्व फरमा रहे थे कि अगर आपके रिजेक्ट हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपील फाइल करो, आपके नॉमिनेशन पेपर जो है ना बहाल हो जाएंगे। हम तो लॉन्ग रन के लिए कह रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ का मिलना है, हर कैंडिडेट का हिस्सा वो राय थे, आईनी और कानूनी राय थे कि वो पार्टिसिपेट करे प्रोसेस में, वो जाके इस प्रोसेस का पार्टिसिपेट करते हुए अपने एंड तक चला जाए जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता, इसी को इलेक्शन कहते हैं। पहले नोटिफिकेशन जो इलेक्शन शेड्यूल आता है उससे लेके रिटर्न कैंडिडेट के नोटिफिकेशन तक इलेक्शन का प्रोसेस चलता है, तो हमारी तो यही कोशिश थी कि हर प्रोसेस फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। बैरिस्टर गौर की गुफ्तगू सुनी। बैरिस्टर गौर ने कहा कि हमसे हमारी पार्टी के बल्ले का निशान हमसे छीना गया है, हमारी पार्टी अभी भी रजिस्टर्ड है और हमारी मर्जी के बगैर हमारा कोई भी कैंडिडेट दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। अगर कोई दूसरी पार्टी को हमारी मर्जी के बगैर ज्वाइन करेगा तो उस पर हम अदालत से रजू करेंगे और वो कानूनी तौर पर वैसे भी ऐसा करने का मजाज नहीं। बैरिस्टर गौर ने कहा कि जो सियासी पार्टियाँ ये सोच रही थी कि वो हमारे आज़ाद मेंबरान को खरीदेंगी और अपनी हुकूमत बना लेंगी, अब उनका भी ये ख्वाब मलिया मेट हो गया है। बैरिस्टर गौर ने कहा कि बिलावल भुट्टो अपने हर जलसे में पीटीआई के वर्कर्स और मेंबरान को यही कहता है कि हमारे साथ इतिहाद करें, हम मिलकर हुकूमत बनाएंगे और नून लीग को किसी भी सूरत हम आगे नहीं आने देंगे। बैरिस्टर गौर ने कहा कि बिलावल भुट्टो को तो शुरू से सिखाया ही यही गया है कि दूसरी पार्टी के लोगों को खरीदो और हुकूमत बनाओ, मगर इस बार इनका पाला पीटीआई से पड़ा है। पीटीआई का कोई भी मेंबर मुझे यकीन है कि ये नहीं खरीद सकेंगे और पीटीआई इस मरतबा 3/4 से जीत कर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आएगी। नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है, इन इलेक्शन में कामयाबी किसकी होगी, नून लीग या पीटीआई? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।